नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारा यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 पर। हमसे जुड़ने का यानी हमसे राबता करने का एक और जरिया है, आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल यानी एनसीईआरटी ऑफिशियल। तो प्रातः 8 बजे का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर और हर रोज 8 से 8:45 लेकर आते हैं हम आप सभी के लिए योग शक्ति का यह खास कार्यक्रम। और आपको ये बता देते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं अलग अलग योग आसन क्रियाओं और बहुत से प्राणायामों से भी आपको अवगत कराते हैं। साथ ही ये भी जान लें कि यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी के सौजन्य से घर बैठे आप हमारा यह योग शक्ति का कार्यक्रम देख सकते हैं और हमारे साथ अभ्यास भी कर सकते हैं। तो हर रोज बेहतरीन विषय चुनकर लेकर आते हैं हम अपने सभी दर्शकों के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का विषय क्या रहेगा, तो आज का जो विषय है वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे आप एडोलेसेंस हों, क्योंकि आज हम बातचीत करेंगे योगा फॉर एंगर मैनेजमेंट, यानी योग के माध्यम से जब भी गुस्से की अवस्था बने तो उसे कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे अपने गुस्से को ओवरकम किया जा सकता है। और इसी विषय पर और जानकारी प्रदान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान भी उपस्थित हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। पर उससे पहले G20 से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी मैं साझा करना चाहती हूं अपने सभी दर्शकों के साथ। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिस ईयर, दैट इज 2023। द नेशन इज डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी and multilateralism. India's G20 presidency will be a watershed moment in her history as it seeks to play a very major role by finding pragmatic global solutions for the well-being of everyone, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world as one family. So let's get back to our yoga session for the day. So chaliye aapka taaruf karate hain hamare aaj ke mehmanon se। स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं कंचन जी, नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं आज के सत्र में। मैम योग एक्सपर्ट हैं MD NIY से और आज हम सभी के साथ योग कमेंटेटर की भूमिका निभाएंगी। और हमारे साथ श्रुति रोहिला जी भी मौजूद हैं, नमस्कार सत्र में। मैम योग इंटर्न हैं MD NIY से और आज हम सभी के साथ योग डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाएंगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्रुति जी, ये सभी योगासन क्रियाएँ और प्राणायाम का अभ्यास आप तक करके पहुंचाएंगे ताकि आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और आपको एक और विशेष जानकारी मैं देना चाहूँगी कि यदि आपके कोई भी सवाल हो, आपके जहन में ऐसा कोई प्रश्न हो जो आप हमसे पूछना चाहते हो, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो इस नंबर पर आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, हमारा नंबर है 8800440559। और एक आधिकारिक मेल आईडी MDINIY की है आप सभी के लिए, MDNIY@yahoo.co.in। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के योग शक्ति के इस सत्र का। कंचन मैम, जैसा कि हमने अपने सभी दर्शकों को अभी बताया कि हम बात करेंगे योगा फॉर एंगर मैनेजमेंट, वैसे तो हम सत्र की शुरुआत करते हैं कि जो भी हमारा विषय है उसके मुख्य कारण क्या है जी, लेकिन अब एंगर के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को सबसे पहले ब्रीफ में ये बताएं कि इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है और फिर सत्र की शुरुआत करेंगे जी। तो जब भी क्रोध आता है तो उसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है पोज। जब भी गुस्सा आता है रुकिए, ठहरिए कुछ पल के लिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी ब्रेथ पर। उस टाइम पर बेसिकली क्या होता है कि आप हाइपर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन आता है, उसको चेंज करना है रिस्पॉन्स में। उस वक्त एक्शन नहीं, आपका रिस्पोंड करना चाहिए, बेसिकली यही मेन मोटिव है उसको ध्यान में रखने का। और योग के माध्यम से इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे इसे ओवरकम किया जा सकता है, उसी पर मुझे लगता है आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। चलिए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। बंद आंखों से एक बार पूरे शरीर को देख जाइए, भरिए पूरा लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे खाली कर दीजिए। फिर से पूरा लंबा गहरा श्वास भरें
तीन बार ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जेंटली रब योर पाम्स, मेक कप शेप, प्लेस ओवर योर आईज और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। बहुत बहुत स्वागत। चलिए अभ्यास का प्रारंभ करेंगे कपाल भाति से। हमारी पहली क्रिया कपाल भाति। पूरा ब्रेथ को इनहेल एक्सेल करना है, एक्टिव एक्सेलेशन पैसिव इनहेलेशन। ध्यान पूरा आपका आपके कपाल वाले भाग पर। श्वास को भरिए पूरा लंबा गहरा और एक बार मुंह से खाली कर दीजिए। इस राउंड आप करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन इसको ना करें, अब्डोमिन हर्निया है उसको ना करें, बाकी हाई ब्लड प्रेशर उसमें भी आप इसको डीप इनहेल डीप एक्सेल कर सकते हैं, रैपिड नहीं करना है। स्टार्ट करें पूरा पैसिव इनहेलेशन एक्टिव एक्सेलेशन, पूरा इनहेल एक्सेल 20 राउंड्स तक आपको करना है इसको। एक्सेल पूरा ध्यान रखना है आपके एक्सेलेशन पे, इनहेलेशन स्वतः ही होता रहेगा, श्वास को पूरा छटके से बाहर की तरफ खाली करना है। ये एक तरीके से आपका डिटॉक्स प्रोसेस है जो शरीर से दोषों का निवारण करता है। कपाल भाती आपके स्कल रीजन को इल्यूमिनेट करता है, शाइन करता है। तो बेसिकली जब भी एंगर आता है तो हम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हमारा गुस्सा सबसे पहले ब्रेन पे हावी होता है, ये उसको कामनेस की तरफ लेकर जाता है। कपाल भाती धीरे से पूरा श्वास खाली करते हुए रिलैक्स। बहुत बढ़िया, धीरे से आंखों को खोलना है और खड़े हो जाना है अपने स्थान पर। अब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एंगर रीजन। जब भी आपका गुस्से में आपको आपकी ब्रेथ या तो हाई हो जाती है शेल हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारे पास ब्रीदिंग टेक्निक है जिनको आप हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग के अंदर काउंट करते हैं। ये तीन तरीके से हम करेंगे। पहले श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए, हथेलियों को आपस में उंगलियों को फंसाइए, हथेलियों का रुख सामने की तरफ। अब इनको टर्न करना है, जब आप श्वास को भरेंगे तो हाथ सामने की तरफ, एक्सहेल करेंगे तो हथेलियां पलट के छाती की तरफ। यस, तीन बार इसको करना है, इनहेल करते हुए बाहर की तरफ, एक्सहेल करते हुए हथेलियों का रुख छाती की तरफ। इनहेल जितना हो सके उतना डीप उतना लॉन्ग, एक्सहेल यस इनहेल जितना जितना गहरा लंबा श्वास उतना ही चित्त शांत, एक्सहेल लास्ट टाइम इनहेल वेरी स्लो, ब्रीदिंग की आवाज आनी चाहिए आपकी, एक्सहेल। बहुत बढ़िया, धीरे से अब 45 डिग्री पर आपके माथे के सामने हाथों को सेम वही प्रैक्टिस, इनहेल एक्सहेल। ध्यान पूरा यही रखना है कि श्वास को बिल्कुल गहरा करने की कोशिश करनी है। एक्सहेल इनहेल मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट है, साथ में आपकी ब्रीदिंग है, कामनेस क्रिएट करेगा जितना ब्रेथ आपका डीप होगा। डीप ब्रीदिंग इनहेल लास्ट टाइम, एक्सहेल पूरा लंबा गहरा श्वास। अब सर से ऊपर हाथों का रुख पूरा सर से ऊपर, पूरा श्वास को भरना है पूरे शरीर को, अपने अब्डोमिन को, चेस्ट को, क्लेविकुलर को। एक्सहेल करना है हाथों को सर पे, पूरा फिर से इनहेल करना है, डीप इनहेल फील करना है अपने हील से लेके आपके टॉप ऑफ द हेड तक। एक्सहेल करना है
पूरा शरीर को रिलैक्स करना है। इनहेल, जितना डीप इनहेल एक्सहेलेशन उतना ही शरीर स्थिर, मन शांत। यस, लास्ट टाइम पूरा डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी नाइस। धीरे से रिलैक्स, क्लोज योर आइज, हाथों को सहज स्थिति में। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ेंगे, अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए, क्योंकि जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना ही शांत मन भी होगा और उतना ही अच्छा आपका दिमाग चलेगा। तो सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के आगे वाले स्थान पर आ जाइए, जहाँ से आपको पूरे शरीर को एक सीध में लेते हुए सूर्य नमस्कार के हम यहाँ पे पूरे 24 राउंड करेंगे। पहला, श्वास को भरते हुए प्रणाम आसन। आंखों को बंद करके प्रार्थना करनी है अपने शरीर को पूरा देखते हुए, पूरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए शरीर के साथ में जुड़ जाना है। द्वे, हस्तोत्तानासन, खींचना है हाथों को पूरा ऊपर। ध्यान रखें कि आपकी थाइज आपके घुटनों से आगे नहीं जाएगी, बिल्कुल सहज स्थिति में जितना संभव हो उतना पीछे की तरफ जाने की कोशिश करनी है। श्वास को खाली करते हुए त्रीणी पाद हस्तासन, पूरा नीचे, कमर बिल्कुल सीधी, हंच नहीं बनाना है। जिन लोगों को पूरा नीचे नहीं जा सकते, भले ही थोड़ा सा घुटनों को बेंड कीजिए, पर कमर में हंच नहीं आना चाहिए। पादहस्तासन, इनहेल राइट लेग बैक, श्वास को भरते हुए दायां पैर पीछे। सूर्य नमस्कार के ये राउंड्स हैं जिसमें आपके 12 एक तरफ से होंगे, 12 दूसरी तरफ से। श्वास को भरते हुए पूरा अपने दाएं पैर की थाई को जमीन की तरफ, श्वास को भरा है तो चेस्ट को पूरा आउट, लुक अप। एक्सहेल पादहस्तासन, दोनों पैर पीछे, एड़िया जमीन से लगी हुई, एल्बोन को ऊपर की तरफ खींचना है, पैरों की हैमस्ट्रिंग को पूरा स्ट्रेच फील कराना है, कंधों को जमीन की तरफ। अष्टांग नमस्कार, नीज चेस्ट चिन ऑन द फ्लोर, बहुत बड़े, पूरा शरीर एक सीध में, सिर्फ आपके 8 अंग जमीन पर, आपके दोनों पंजे, घुटने, हथेलियां और ठुड्डी। श्वास को भरते हुए फ्लैटन योर टोज फर्स्ट, भुजंगासन, इनहेल अप। वेरी नाइस। शरीर को पूरा महसूस करना है आपकी स्पाइन को, आंखों को आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। पूरे शरीर में एक एक आसन के प्रभाव को महसूस करते हुए एक्सहेल दोबारा पर्वतासन। पहले टोज को टक किया, हाथों पे पूरी तरह वेट को लिया, शोल्डर को नीचे की तरफ, टेल बोन को ऊपर की तरफ, हैमस्ट्रिंग को पूरा स्ट्रेच, हील्स को फ्लोर की तरफ। इनहेल राइट लेग फ्रंट, पैर गया था पीछे, उसी पैर को आगे लेकर आना है। खिंचाव को महसूस करना है आपका लेफ्ट फीट जमीन की तरफ, पूरा जमीन की तरफ। एक्सहेल लेफ्ट लेग फ्रंट, पादहस्तासन, फिर से पूरे शरीर को, बहुत सुंदर। जब आपका वेट आगे की तरफ, टोज की तरफ शिफ्ट रहेगा तो पूरा खिंचाव आपकी हैमस्ट्रिंग में आएगा, ग्लूट्स मसल में आएगा, कमर बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, पूरा एक सीध में, हाथ आपके जो बाइसेप्स है कानों से लगी रहेगी, बहुत सुंदर। एक्सहेल प्रणाम, चलिए दूसरी तरफ से। इनहेल हस्तोत्तान, बिल्कुल धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार। एक्सहेल पादहस्तासन, जिन लोगों को सीवियर कमर में दर्द है वो लोग पूरा नीचे ना झुके, 90 डिग्री तक ही वो लोग बेंड होंगे। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, वेट के अकॉर्डिंग आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही इस अभ्यास को करना है। एक्सहेल राइट लेग बैक, पर्वतासन, अलाइनमेंट का पूरे टाइम ध्यान रखना है। ब्रीदिंग यहाँ पे आप चाहें तो उज्जयी ब्रेथ कर सकते हैं, पूरा इनहेल गले वाले भाग से, एक्सहेल गले वाले भाग से। नीज चेस्ट चिन ऑन द फ्लोर, घुटने, अष्टांग नमस्कार, धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, पूरी अपनी कमर को महसूस कीजिए, आपके एक एक स्पाइनल वर्टिब्रा को महसूस कीजिए, आपके सर्वाइकल, आपके थोरेसिक, लंबर, ग्लूट्स को पूरा एंगेज करके रखिए, कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। पीछे से पैरों को पूरी तरह से एक्सटेंड किया हुआ, एल्बोज बेंड और शरीर से लगी हुई। एक्सहेल पर्वतासन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे, शरीर को फिर से एकदम सहज करना है, ब्रेथ पे पूरा ध्यान रखना है। इनहेल लेफ्ट लेग फ्रंट, बायां पैर पीछे गया था, बायां पैर ही आगे। फिर से खिंचाव को महसूस करना है अपनी राइट इनर थाई की तरफ, कमर को फिर से ऊपर की तरफ, जितना हो सके संभव हो ऊपर की तरफ देखना है, चेस्ट को पूरा आउट करना है।
एक्सेल बाधस्तासन, बहुत बढ़िया। इनहेल अस्तोत्तानासन, पूरे 24 राउंड आपके सन सैल्यूटेशन के। एक्सेल क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स योर सेल्फ। आवृत्तियों को आप अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएंगे, जितना आप चाहें उतना आप रिपीटेशंस को बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि बहुत ज़्यादा शैलो ब्रेथ आपकी नहीं होनी चाहिए। पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपको अपनी ब्रीदिंग को सहज रखना है, उखड़ी हुई श्वास के साथ कभी भी अभ्यास को आगे नहीं बढ़ाना है। सन सैल्यूटेशन एंगर मैनेजमेंट में इसलिए ज़्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि ये आपके शरीर को एक्टिव बनाता है, दूसरा आपके विवेक को बढ़ाता है। जब हमारे को गुस्सा आता है तो हम सोचने समझने की क्षमता को छोड़ देते हैं, हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। तो सन सैल्यूटेशन की वजह से आपके शरीर में पूरा स्टेबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और स्ट्रेंथ आती है, तो आपकी ब्रेन पावर भी इंक्रीज होती है। चलिए धीरे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास रहेगा प्रज्ञा योग, जिसके 16 आसनास का सीरीज रहेगा। उसके लिए आपको आपके मैट के पीछे वाले भाग पर आना होगा क्योंकि इसमें जो फ्लो रहेगा वो आपका पीछे से आगे की तरफ आपके आसनों का रुख रहेगा। इसमें भी सेम वही, ये भी एक सन सैल्यूटेशन की ही फॉर्म है जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दी गई है। शरीर को पूरा शांत, प्रज्ञेश्वर महाकाल पूरा एकदम, आज जैसा कि महाशिवरात्रि का दिन भी है तो बहुत इफेक्टिवली ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करता है। दूसरा, आपके पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है क्योंकि गुस्से में आपका सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा एजिटेट रहते हैं। ये आपके पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके लिए आसनों का प्रारंभ करेंगे। पहला प्रणाम, दोनों हाथों को मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा में। दूसरा ताड़ासन, खींचना है हाथों को ऊपर की तरफ, संभव हो सके तो आप अपनी हील्स पे भी आ सकते हैं वरना सहज स्थिति में यहीं पर रुकना है। ताड़ासन, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे पादहस्तासन, पूरा सीधी कमर के साथ रुकना है यहाँ पर। ब्रेथ को पूरा इनहेल करते हुए पूरा एक्सेल करते हुए ध्यान रखना है अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल का, जितना संभव हो सके ब्रीदिंग को अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करना है। धीरे से वज्रासन, यहीं से आराम से बैठना है वज्रासन में, बहुत बड़े आंखों को बंद करके शरीर को महसूस करना है, आगे के अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करना है। ये पूरा एक सीक्वेंस है, डायनामिक फ्लो रहता है, जितना आप इसको रैपिडली और कॉन्टिन्यूसली करते हैं उतना ही इसका इफेक्ट बढ़ता जाता है। अगला उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हो जाना है, हाथों को संभव हो तो अपने हील्स पर रखना है वरना आप नहीं संभव है तो कमर पर भी रख सकते हैं। इनहेल एक्सेल नॉर्मल, ब्रीदिंग आपकी सामान्य है। शरीर को पेल्विक को आगे की तरफ पुश करना है, ग्लूट्स आपके पूरी तरह से एंगेज रहेंगे। उष्ट्रासन हार्ट ओपनिंग आसना है, चेस्ट को पूरी तरह से रिलैक्स रखते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए। यहीं से योग मुद्रा आसन, धीरे से वापस ऊपर आते हुए इंटरलॉक करना है अपनी दोनों हथेलियों को। एक्सेल करते हुए माथा आपका जमीन से लगेगा, हाथ पूरे आसमान की तरफ खींचे हुए रहेंगे, हथेलियाँ आपकी तरफ और पूरा हाथ कोहनियाँ सीधी, आपके बटक्स आपकी हील्स पे टिके हुए रहेंगे। योग मुद्रा आसन, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल, सहज भाव से अपने शरीर को देखते रहना है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए अर्ध ताड़ासन, यहीं से पूरा रोटेट करते हुए अपनी एल्बोज को, पूरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपका शोल्डर में है उसको महसूस कराते हुए पूरा हाथों को खींचे ऊपर की तरफ। अर्ध ताड़ासन, आपका घुटने आपकी एड़ियां जमीन पर, बटक्स आसानी से आपकी एड़ियों पे रखे हुए। अब पूरे कमर को आपका लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल, हेड सब एक सीध में खींच के रखना है पूरा हाथ को, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। एक्सेल शशांक आसन, बिल्कुल धीरे धीरे शशांक आसन में जाते वक्त ध्यान यही रखना है घुटने और एड़ियां आपस में मिली हुई रहेंगी, पूरा कमर में कोई भी प्रकार का कर्व नहीं रहेगा, कोई भी हंच क्रिएट नहीं करना है, हथेलियों को सहज स्थिति से जमीन की तरफ रख देना और ब्रीदिंग डीप इनहेल डीप एक्सेल। शशांक आसन, ये आपको पूरी तरह से कामनेस का भाव, शांति का भाव, चित्त में जो चंचलता होती है उसको रिलैक्स करता है, बहुत बढ़िया। धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए भुजंग आसन, सपोर्ट लेना है हाथों का, शरीर को पूरा पेट के बल लेटा देना है,
पीछे से एड़ी पंजे खुले रहेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए उठना है ऊपर। बहुत सुंदर, कंधों में किसी भी प्रकार का ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, रिलैक्स रखना है शोल्डर्स को, हाथों को जमीन की तरफ प्रेस करना है, संभव हो तो इतना उठ सकते हैं वरना थोड़ा कम भी। इनहेल करते हुए तिर्यक भुजंगासन, अपनी दाएं पैर की एड़ी को, अगर आप बाईं तरफ से मुड़ रहे हैं तो अपने दाएं पैर की एड़ी को देखना है, और जब आप बाईं तरफ से मुड़ते हैं तो अपने दाएं, मतलब अपोजिट, तिर्यक, लिटरल आपको ट्विस्टिंग फील करानी है। एक से दो बार इनहेल करते हुए राइट साइड, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सहेल करते हुए वापस। बहुत बढ़िया, तिर्यक भुजंगासन। धीरे से वापस शशांक आसन, चाइल्ड पोज, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही। फिर से यहाँ पर जो शरीर में जो भी आपके खिंचाव, तनाव, जो भी महसूस हुआ हो उसको महसूस कीजिए, पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। बहुत बड़े, धीरे से वापस अर्ध ताड़ासन। फिर से रिपीट होंगे आसनास यहाँ पे, अर्ध ताड़ासन, वापस उसी स्थिति को देखना है, वज्रासन में बैठे हुए। घुटनों में अगर आपको सीवियर पेन होता है तो आप इसको अवॉइड करते हैं वज्रासन में बैठना। एक्सहेल करते हुए उत्कट आसन, बैलेंस बनाना है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, शरीर को बिल्कुल सहज करते हुए, ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हुए, आपकी एड़िया जमीन से उठी हुई रहेंगी, पंजे जमीन पर टिके रहेंगे। आप उत्कट आसन, बिल्कुल एक चेयर पोज में, हम जो लोएस्ट फॉर्म, जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना। बहुत बढ़िया, ब्रेन और मसल्स को एक साथ काम में लाता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाता है, बैलेंसिंग पोस्चर में इंक्लूड किया जाता है, चेहरे पर सहजता का भाव। बहुत बढ़िया, धीरे से दोनों हाथों को साइड में रखते हुए पादहस्तासन, पूरा शरीर बहुत सुंदर एक सीध में। आपका संभव हो सके तो अपनी ठुड्डी वाला भाग आपकी शिन की तरफ, आपकी हथेलियां जमीन पे सहज, कमर में किसी प्रकार का कोई हंच नहीं, एकदम सीधी कमर, वेट आपका पूरा अपने टोज की तरफ, पूरे पीछे से स्ट्रेच आपको महसूस करना है अपनी हैमस्ट्रिंग में। बहुत बढ़िया, इनहेल ताड़ासन, खींचना है सीधा कमर को करते हुए, मैक्सिमम स्ट्रेच, ताड़ासन, हील्स ऑफ द फ्लोर। यहीं से उद्गीत ओम का गुंजन करते हुए श्वास को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, धीरे धीरे ओम। प्रज्ञा योग, ये इसके पूरे 16 स्टेप्स हैं, रिवाइज आप एज पर योर कैपेसिटी, जितना आप इसका रिपीटेशन कर सकते हैं उतना आपको इसका रिपीटेशन करना है। चलिए धीरे से अब कमर के बल लेट जाना है हम लोग कुछ आसनास का। ये सारे डायनामिक पोजेस थे, डायनामिक प्रैक्टिसेस थी, जिनमें आपको लगातार करते रहना है, 3 से 4 राउंड इसके प्रज्ञा योग के, 3 से 4 राउंड आपको सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने के बाद शरीर को बिल्कुल स्थिति पोजिशन में लेकर आना है। अब जो मेजर आसनास हैं जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आपके एंगर मैनेजमेंट में, वो हैं आपके सर्वांगासन, जिसमें आपको लेटना है आपकी कमर के बल, शरीर को स्थिति पोजिशन में लेकर आना। जब भी आप ऊपर से नीचे जमीन की तरफ लेटने के लिए आते हैं तो पहले रिलैक्स करना है, ब्रेन को पूरी तरह से टाइम देना है अपने शरीर को कि हाँ वो आसन के अभ्यास के लिए तैयार है। चलिए सर्वांगासन की तरफ बढ़ते हैं, पूरा शरीर एक सीध में, धीरे से श्वास को भरते हुए आपको अपने दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठाना है, अपनी हथेलियों की कपनुमा आकृति बनाते हुए अपने पीठ को कमर वाले भाग पर रखना है और सपोर्ट लेना है, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही पूरा ऊपर जितना संभव हो सके आपकी चिन, आपकी ठुड्डी जो है वो आपके कंठ कोप से लग जाएगी, और आपके जो पैर के पंजे हैं घुटने, वो आपकी आँख के बिल्कुल सामने सीध में, पूरा शरीर, कमर बिल्कुल सीधी, संभव हो उतना, जो लोग संभव नहीं कर पाते हैं वो वेरिएशंस के साथ भी कर सकते हैं। सर्वांगासन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्रेन को सूदिंग, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड को, जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उन सबको, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उन सबको क्रिएट करता है
उन सबको रिलैक्स करता है और आपके शरीर को एक सीध सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को लेकर जाइए सर के पीछे की तरफ, जितना संभव हो सके उतना आराम से। हलासन, फ्लो पोज, पूरा शरीर एक हल्की भांति। फिर से अपनी कमर को और सीधा करने की कोशिश, बिल्कुल रिलैक्स यहीं पे। संभव हो तो दोनों हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं आप, वरना हाथों की हथेलियों को जमीन की तरफ भी रख सकते हैं। हलासन, दोनों घुटने सीधे, पंजों का रुख एक्सटेंड किया हुआ, पूरा खींचा हुआ, कमर आपकी बिल्कुल सीधी। जैसे गए थे आने का तरीका भी बिल्कुल सहज। कुछ पल के लिए ब्रीदिंग नॉर्मल रखने के लिए होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस आना है। पहले अपने हाथों का सपोर्ट लेना है अपनी कमर वाले भाग की तरफ, श्वास को भरते हुए पूरा अर्ध हलासन में आना है, होल्ड करना है यहाँ पर। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए बिल्कुल सहज आराम आराम से अपने घुटनों को नीचे की तरफ लेकर आना है, बिल्कुल आराम से, बहुत बड़े सहज स्थिति में रुकना है, आंखों को बंद करना है और शरीर को देखना है। जो लोग पूरी तरह से सर्वांगासन नहीं कर सकते वो लोग वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं। आप लोग घुटनों को मोड़कर ऊपर उठा सकते हैं अपने शरीर को जितना संभव हो सके, जितने लिए। उसके अलावा आप लोग किसी भी बोल्स्टर का, चेयर का यूज़ कर सकते हैं। बेड पे आप लेट कर नीचे बोल्स्टर लगाकर शरीर को वो शेप दे सकते हैं जिसमें आपके पैर ऊपर की तरफ जाते हों, सर नीचे की तरफ। बेसिकली सर की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको आपको बढ़ाना है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज होती रहेगी। धीरे धीरे पूरे शरीर को इस जितने भी आसनास जिनमें भी आपका ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हेड, जिसमें शीर्षासन जो संभव हो वो उसमें शीर्षासन भी कर सकते हैं। शीर्षासन को लंबे समय तक होल्ड करने से आपका एंगर मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिवली आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए शवासन में पूरे शरीर को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रिलैक्सेशन, एंगर में पूरी स्लीप लेनी है, पूरा आपको नींद का साइकिल जो होता है वो पूरा करना है। और जब आप शवासन में लेटें तो उसमें आपको डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, जिसमें आपको श्वास को भरते हुए अपने पैर के पंजों से लेकर आपके सर के ब्रह्मरंध्र वाले भाग तक रिलैक्स कराना है। शवासन में आप लेटे हुए हैं, इनहेल किया पूरे पैरों के पंजे को, एड़ी को, शिन को, काफ को, एक्सेल किया, रिलैक्स किया। इनहेल योर थाइस, ग्लूट्स, एब्डोमेन, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल दोनों हाथ, हथेलियां, पांचों उंगलियां, कंधे, गर्दन। एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल पूरा चेहरा, शव की भांति आपका शरीर। एक्सेल, रिलैक्स। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, डीप इनहेल डीप एक्सेल आप करते हैं, उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग को। पूरा श्वास को भरते हुए पेट को फुलाना है, मैक्सिमम इनहेल पूरा पेट फुलाइए। शवासन में ही आप इनको टेक्निक्स को ऐड करेंगे। पूरा पेट को फुलाना है, पेट पूरा फुला हुआ। एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल पूरा छाती वाले भाग तक श्वास को भरना है, पूरा फुलाना है। एक्सेल, रिलैक्स। पूरा श्वास को भरते हुए पेट और छाती और गले तक पूरा भरते हुए श्वास को पूरा होल्ड करना है अंदर की तरफ, अंतःकुंभक। एक्सेल, रिलैक्स। फिर से एक पूरा लंबा गहरा श्वास, शरीर बिल्कुल स्थिर, मन शांत। एक्सेल, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस से प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करते हुए हाथों पैरों की उंगलियों को बिल्कुल धीरे धीरे हिलाना है। शरीर को अपना वक्त लेने देना है और धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लेकर उठकर बैठ जाना है। आगे का अभ्यास हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए करेंगे। आपका शरीर सहज स्थिति में प्राणायाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्रेथ। आपका आपकी जो श्वास प्रश्वास की गति है वो आपके हर तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
जितना सहज आपका श्वास प्रश्वास होगा उतना ही परिस्थितियों में आप अपने आप को सामान्य रख पाएंगे। परिस्थितियाँ ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे अनुकूल ही हो, वो चेंज भी हो सकती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए। प्राणायाम उसका एक माध्यम है। हमारा पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ की नासिकाग्र मुद्रा बनानी है। अपनी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के निचले भाग से, दाएं नासिका रंध्र को बंद करना है। श्वास को भीतर भरना है बाएं नासिका रंध्र से। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा भी आपको बहुत सहज करती है। इनहेल पूरा बाएं नासिका रंध्र से, एक्सहेल राइट, बिल्कुल धीरे धीरे। इनहेल राइट अगेन, एक्सहेल लेफ्ट। अब एक बार हम अंता कुंभक के साथ करेंगे। इनहेल लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल राइट, जितना संभव हो उतना समय लेते हुए धीरे धीरे। एक्सहेल, फिर से इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल लेफ्ट, बिल्कुल धीरे धीरे। जब आप एंगर पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको आप अपने ब्रेथ को जितना हो सके सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करें। एक बार सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करना है, ब्रेथ को होल्ड करना है और एक्सहेल भी आपको लेफ्ट से करना है। बेसिकली आपको आपके पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना है। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, बिल्कुल धीरे धीरे, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड योर ब्रेथ वेरी स्लो, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल थ्रू लेफ्ट ओनली विद द काउंटिंग, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बड़े, धीरे से हाथों को रिलैक्स। शरीर को देखना है, स्थिति को देखना है, मन को देखना है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की षणमुखी मुद्रा यहाँ पे आप ऑप्ट करेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को आपकी आंखों के आगे, आपकी मिडिल फिंगर को आपके लोअर टिप ऑफ नोज, नाक के नासिका रंध्र के नीचे वाले भाग पे, आपकी रिंग फिंगर अपर लिप पे, आपके लिटिल फिंगर लोअर लिप पे, बिल्कुल धीरे। आपके दोनों अंगूठे कानों को बंद करते हुए पूरा श्वास को भरना है। आपके होठ आपस में मिले रहेंगे पर दांत आप खुले रहेंगे। पूरा इनहेल किया, भ्रमर के समान ध्वनि को क्रिएट करना है। एक्सहेल करते हुए एक भंवरे के समान गुंजन करना है। फिर से पूरा लंबा गहरा श्वास। इनहेल अगेन लास्ट टाइम। शरीर को पूरी तरह देखना है, हाथों की मुद्रा को हटाना है। ज्ञान और चिन्ह मुद्रा में बैठकर और शांत भाव से जो वाइब्रेशंस आपके भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुई है उनको अपने शरीर पर महसूस करना है। सहज स्थिति में आपका मन शांत, शरीर स्थिर, और जितना भी द्वंद आपके दिमाग में चल रहा है उनको पूरी तरह से रिलैक्स करना है। 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करना है, अकार उकार और मकार के साथ, और शरीर को फिर से उन वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में महसूस कराना है। हरी लंबा गहरा श्वास।
कुछ पल बस यहीं रुकें, अपने शरीर को पूरी तरह से देखें, जो भाव जो विचार आपको परेशान करते हैं उनको बस हर बाहर जाते हुए श्वास के साथ शरीर से खाली कर दें। धीरे से सहज स्थिति में अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों में घर्षण करें, कपनुमा आकृति बनाएं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। जी मैम, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने आज के जो आसन हैं, क्रियाएं हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया हमारे सभी दर्शकों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं वो घर बैठे इसका अभ्यास ज़रूर कर रहे होंगे। मैम, सत्र में अभी भी हमारे पास कुछ क्षण बाकी हैं, तो यदि आप इजाज़त दें तो कुछ सवाल हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब हम गुस्से की बात करते हैं, गुस्से की स्थिति बनने की बात करते हैं, तो जब व्यक्ति को गुस्सा आता है एकदम से, ठीक है, तो उस समय तो हम कुछ सोच समझ नहीं सकते, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने डिसीजंस ले पाते हैं, पर वैसे जनरली उससे पहले क्या किया जा सकता है? ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं या ऐसा कोई अभ्यास जो हर व्यक्ति फॉलो कर सकें जी, कि गुस्सा जब भी आए आप उसे एकदम या तो ओवरकम कर लें, या फिर जैसे आपने पॉज बताया, एटलीस्ट हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकें कि हम वो पॉज ले सकते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है, बेसिकली जब भी आपको गुस्सा आता है तो ब्रेन में एक पार्ट होता है अमाइगडला जिसको कहा जाता है, वहाँ पे एक ट्रिगरिंग सेंसेशन होती है, एक सर्किट सा क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो एक मैसेज कन्वे करता है आगे के एक्शंस को, ब्रेन को मैसेज कन्वे करता है कि अब फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, जो कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड करती है, जिसमें आपको मेजर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कॉर्टिसोल और आपके एड्रेनलिन हार्मोन, वो सिक्रेट होते हैं। अब वो करते हैं कि आपको अचानक से एक रिएक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि या तो आपको लड़ना है या फिर आपको शांत बैठना है। अब उस टाइम पे अगर आप प्रैक्टिसेस जो हमने अभी शेड्यूल बताया वो प्रैक्टिसेस, उसमें सबसे इफेक्टिव रहता है आपका भ्रामरी। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये आपके ब्रेन को उन हार्मोन के प्रॉपर स्टिमुलेशन को रेगुलेट करता है, आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड को। दूसरी चीज़, आप जब ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल, जिसमें आपका पूरा इनहेल करना है आपको आपके बाएं नासिका रंध्र से और एक्सहेल करना है, तो वो आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सडन रिस्पॉन्स आता है कि अब आपको कैसे एक्ट करना है। तो आप उसको रिएक्शन की बजाय आप उसको रिस्पॉन्सिव तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप उसमें इंस्टेंट प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, इंस्टेंट आप उस चीज़ पे बोलते भी नहीं हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम है उसका प्रैक्टिसेस जो हमने बताई, योग में डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं, आसनास में आप सेतु बंध आसन, उष्ट्रासन जो हमने कराया था, शलभ आसन, बहुत से आसनास है जो कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि है सविता ध्यान। बेसिकली उसमें आपको मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन कैसे किया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, अच्छा आपका शांत एनवायरनमेंट हो, उसमें सनराइज से पहले ये होता है जी,
जिसमें बैठकर आपको जो सन की रेज होती हैं उनको पूरी तरह से आंखें बंद करके एब्जॉर्व करना होता है, और उस ब्रीदिंग को पूरा लेफ्ट नोस्ट्रल इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रल एक्सहेल करना होता है। सन सैल्यूटेशन से पहले, मतलब जब सनराइज हो रहा है उससे पहले आप बैठे हैं, उसके बाद में आपने 5 मिनट ब्रीदिंग टेक्निक की, उसके बाद में आप सूर्य नमस्कार करिए जी, आप अपनी लाइफ में ट्रिमेंडियस चेंजेस फील करेंगे। दूसरी चीज, आप जो 5 मिनट के जो चीज़ें होती है कि आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि अचानक सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग हर बार नहीं होती, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ है, तो इंस्टेंट हमारा दिमाग क्रिएट करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसमें जितने ही आपके दिमाग को सहज तरीके से आप जितना आप योगिक प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे उतना आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। मैम ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमने बहुत बार सुना है कई लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, जबकि कई लोग जो होते हैं वो उससे विपरीत होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है कि गुस्सा कम आता है। तो गुस्सा ज़्यादा आना या कम होना, यानी ज़्यादा इमोशनल या कम इमोशनल होना, किन किन कारकों पर निर्धारित है? बिल्कुल, तो बेसिकली गुस्सा एक इमोशनल फैक्टर है, मतलब एक तरीके से एक नॉर्मल इमोशन है जो हर किसी ह्यूमन बीइंग में होता है। कोई इसको बहुत एग्रावेट कर लेता है, कोई इसको साधारण तरीके से सहज तरीके से रख लेता है जी। अब आपको, आपने जैसा कि पूछा कि कुछ लोग तो बहुत ही, उनको हम शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका राइट ब्रेन होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसके अंदर वो लोग हर एक चीज़ का इंस्टेंट रिफ्लेक्स दिखाते हैं। छोटी सी बात हुई वो एग्रावेट हो गए जी, फट गए एकदम से। क्यों? क्योंकि उनका उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उनका लाइफस्टाइल, टाइम पे नहीं सोना, अच्छी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन एक्सरसाइज नहीं करना, डाइट प्ले करता है मेजर रोल उसमें। आप बहुत ज़्यादा चटपटा, तला भुना या फिर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपकी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब आपकी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है तो आपका एक नेचर क्रिएट हो जाता है कि जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशंस को एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसको हैंडल नहीं कर पाते, विवेक आपका खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपको भ्रम, इल्यूजन पैदा होता है। जब इल्यूजन पैदा होता है उसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस होता है, मतलब पावर ऑफ बुद्धि का ह्रास होता है। जब बुद्धि का ह्रास होता है तो आपका विवेक होता है, विवेक इज द पावर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत, वो खत्म हो जाता है। इसकी वजह से आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके रिलेशंस में, आपके हर तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ को इम्पैक्ट डालती है। आप उसमें होता क्या है कि चीज़ों को बांधते हैं, आपके जो टाइम, जो भी अच्छे मोमेंट्स नहीं बीते आप उनको होल्ड करके रखते हैं, और बार बार उस ब्रेन को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि ओके दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो मुझे वो रिस्पॉन्ड करना है। आपने ब्रेन को मैसेज दे दिया कि आपको उसको नॉर्मल बिहेव नहीं कराना है इस तरीके से। और मैम जब हमें गुस्सा किसी स्थिति की वजह से आए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आए तो हम दूसरे व्यक्ति को तो नहीं बदल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही गलत होते तो गुस्सा आता है, सामने वाला भी गलत होता है, बट थिंग इज दैट कि आपको उस वक्त रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रुकना है। वो गलत है अगर वो कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है तो अवॉइड कीजिए उसको, बिल्कुल बी क्वाइट। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरती से हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और मुझे लगता है जो दर्शक ये कार्यक्रम भी देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे अलग अलग पहलू जिनको आज हमने छूने की कोशिश की है। आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्रुति जी का, हमारी आज की योग डेमोन्स्ट्रेटर, जिन्होंने बखूबी ये सभी आसन क्रियाएँ इनका अभ्यास आप तक करके पहुँचाया। तो इससे पहले कि आज के योग शक्ति के सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी G20 से जुड़ी हुई। जैसे हम हर बार आपको बताते हैं, वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिस ईयर, दैट इज 2023। द नेशन इज डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन हर हिस्ट्री as it seeks to play a very major role
by finding pragmatic global solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. Once again, thank you to all the viewers who have connected with us for this particular session of Yog Shakti. Stay tuned and keep watching eVidya channels and take very good care of yourself. Do practice yoga. Namaskar.